सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आजमगढ़ व रामपुर के उपचुनाव में हुई जीत के बाद भाजपा कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। कार्यकर्ताओं ने पटाखा फोड़कर की आतिशबाजी, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में लागू प्रदेश सरकार की योजनाओं पर जागरूकता के विषय पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश की अध्यक्षता में कार्यशाला का किया गया आयोजन। कहा, शासन द्वारा चल रही योजनाओं का कराया जाए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार, ताकि लोगों को मिल सके आसानी से योजनाओं का लाभ। चाकू से मारकर हत्या करने वाले एक अभियुक्त को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त चाकू किया बरामद, भेजा जेल। उपचुनाव में दोनों सीट भाजपा प्रत्याशी के द्वारा जीतने पर भाजपा के राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, आजमगढ़ व रामपुर की जनता की है यह जीत, सभी कार्यकर्ताओं सहित शीर्ष नेतृत्व को दी बधाई। दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे अभियुक्त शिव शंकर सोनी को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। भाजपा युवा मोर्चा महानगर व जिला इकाई की संयुक्त बैठक राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। कहा, 25 जून को भाजपा मना रही है काला दिवस, देश में जबरदस्ती लगाया गया था आपातकाल। और देवेंद्र आर्य द्वारा लिखित पुस्तक मन कबीर का हुआ लोकार्पण। कहा, यह पुस्तक लोगों के मन को बदलने का करेगी काम।